यूट्यूब के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडिया लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं, वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैब केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे। या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। आज हम हेलो एलिगेंस में देखेंगे रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रिंग पर होने वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखेंगे, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम सिर्फ हेलो एल्केन को देख लें या हेलो एरिन्स को देख लें, बाकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएगा या एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन या फिर बेंजल्डिहाइड या आपका आएगा बेंजोइक एसिड, इस तरह के कंपाउंड में भी देखना चाहेंगे, नाइट्रोबेंजीन में भी देखना चाहेंगे। तो जितने भी कंपाउंड होंगे रिंग में एरोमेटिक, उनके लिए एक मैं छोटा सा अभी बता देता हूं ताकि आगे जाके मुझे परेशानी ना हो और आपको परेशानी ना हो कि किस में अर्थो पे रिएक्शन हो रहा है, किस पे पैरा पे रिएक्शन हो रहा है, किस में मेटा पे रिएक्शन हो रहा है। एक बार समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा, इस बात पे ध्यान दें। तो इस नियम को दिया था एलिंगवर्थ ने, तो इसको बोलते हैं एलिंगवर्थ का रूल। तो मैं इस तरह से नहीं बताऊं क्योंकि आपके कोर्स में तो इस रूल के बारे में बातें करने का नहीं है, सो आप समझो किसी का भी रूल हो वो आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। तो ये है कि जरा इस तरह समझेंगे आप, मेरे पास है ये एक कंपाउंड क्लोरोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, फेनिल साइनाइड, बेंजोइक एसिड या कुछ और, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, टॉल्यूइन, यस, कोई भी हो लगा लीजिएगा अल्टरनेट ऑर्डर में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सवाल यह होगा कि इन सब की रिएक्शन हैलोजन से, नाइट्रिक एसिड से, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से या एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से होता है। इन दोनों रिएक्शन के टाइम पे हम बोलते हैं फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन सुने होंगे आप लोगों ने, हैलोजनीकरण, क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, ये होता है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, बाकी इनके लिए जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही इस जगह पे कामयाब है अकेले। तो इन सबके रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के साथ आ सकता है। तो सवाल यह है कि चलो मैं मान लेता हूं यहां पर क्लोरोबेंजीन है और इस क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन Cl2 के साथ होता है, यानी हैलोजिनेशन होता है। तो हैलोजिनेशन के टाइम पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्लोरीन किस जगह के हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सब जगह पे हाइड्रोजन है। बोलो, जैसे कि इस जगह पे क्लोरीन है, उसकी जगह पे यहां पर हाइड्रोजन है, तो किसी एक हाइड्रोजन को हटाएगा तब जाकर कि ये इसमें से क्लोरीन निकल करके उस जगह को खाली करेगा, तो HCl बन गई, बाकी जो है वो क्या हो गया, Cl। सवाल ये नहीं है कि वो जुड़ता है कैसे,
जुड़ता है कहां पर, ये सवाल है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं डाल सकते। इसके लिए एक छोटा सा रूल है, इसके लिए कुदरत ऐसा करती है, ये क्या कर सकती है इस पर डिपेंड करता है, मुझ पर नहीं। ठीक, मैं तो चाहूं तो ये भी बना सकता हूं, और भी समझ रहे हो यहां पे? बोलो, सारे रिएक्शन में खास बात क्या है? इसमें सीएल जुड़ता है, जैसे कि यहां पे सीएल है, ओके, सब में। इसमें क्या जुड़ता है? एनओ टू जुड़ता है। इसमें क्या जुड़ता है? एच एस ओ फोर है ना, ओ एच एस ओ थ्री एच। इसमें क्या जुड़ता है? सी एच थ्री। इस तरह के रिएक्शन में क्या जुड़ेगा? सी ओ सी एच थ्री। तो ये तो बड़ा इजी हो गया यार, कि इसको जोड़ना है, इसका रिएक्शन कराना, ये इजी है, ये टफ नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि कहां पे जुड़ेगा, समझ रहे हैं आप? उसी कहां को अगर समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। मैंने बोला ना, ये सब रिएक्शन इजी है। क्यों रिएक्शन इजी है, एक बार बता देता हूं ये भी, चलिए ध्यान दीजिए। मान लेते मेरे पास ये है क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन है मेरा, नाइट्रेशन करा रहा हूं, नाइट्रीकरण, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में इसको बोलते हैं एल्काइलेशन, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक, तब मैंने रिएक्शन कराया, चलिए नाइट्रेशन कराता हूं, एच ओ एन ओ टू, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट एच टू एस ओ फोर। टेम्परेचर वगैरह याद करते हो, वो आपकी क्वालिटी है, नहीं भी रहता है तो भी एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तब क्या हुआ, ओ एच किसी एक जगह का एच लेकर के आप इसमें से किस एच के साथ की रिएक्शन होगी, यही हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, बाकी ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यहां से निकल गया एच टू ओ हो गया, फिर बात हुआ ये देखिए, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सवाल यही है, आर्थो पर होगा, मेटा पर होगा, पैरा पर होगा, आर्थो पर होगा, मेटा पर होगा कि पैरा पर होगा, यह सवाल है। ठंडे दिमाग से इस बात को समझ लो, ठंडे दिमाग से इस बात को सोच लो कि यह प्रॉब्लम नहीं है कि आप रिएक्शन में क्या लिखोगे, वो तो बनेगा बनेगा, सबसे इजी रिएक्शन इन्हीं को माना जा सकता है। पर यह बहुत कठिन इसलिए हो गया है कि कहां पर जुड़ेगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन रहता है कि आर्थो पर होगा, मेटा पर होगा, पैरा पर होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप? इस क्वेश्चन का जवाब देता है कि जो पहले से उपस्थित इस रिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो प्रतिस्थापी है, वो बताएगा कि आने वाला NO2 या Cl या ये या ये या ये कहां पे जुड़ेगा, ये बताएगा आपको, ना कि ये तय करेगा कि मैं कहां पे जुड़ूंगा। बिल्कुल वैसे ही किस्सा है जैसे कि कोई नया स्टूडेंट आता है और आते ही ये नहीं बोलता हट मैं बैठ जाऊंगा यहां पे, ऐसा नहीं बोलता। आने वाला थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है, वो मेहमान स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम आया है तो मेहमान ही है, आया दिखता है ऐसे ऐसे, तो कोई उनका दोस्त हो या कोई दूसरा हो, अगर नहीं भी दोस्त है तो इंसानियत के नाते बोलता है तो वहां जाके बैठ जा, या फिर मैं तय करता हूं किधर हो यहां बैठो, है ना? तो क्या होता है, जो नया आने वाला वो कौन है? ये है ना नया आने वाला, बोलो, ये तो पहले से है ना, तो तय कौन करेगा? जो पहले से है। अब बात समझ में आ गई, कौन तय करेगा? जो पहले से है। तो इस तरह से आपके दिमाग में आ चुका है कि सब में रिएक्शन क्या होने वाला है, क्लियर है? क्लोरीन जुड़ेगा या चोज भी जुड़ेगा, यस क्लियर है ना, नाइट्रेशन क्लियर है ना, पर कहां पे होगा ये समझ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। और इसी बात पे हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी ऐसा कोई रिएक्शन होगा, रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसको रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि जो बना हुआ है ना यहां पे, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों है जरा देखो, माइनस प्लस, ये पॉजिटिव पार्ट है, यस, और जो पॉजिटिव रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है,
इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उस तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो सब जगह पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है, कारण तो है ना, जवाब भी मिल जाएगा। अगर आप जो चीजें मैं बताऊंगा उसे याद भी नहीं रखोगे तो भी जवाब मिल जाएगा। थोड़ी लंबा खींच रहा हूं इन बातों को ताकि आप अपने दिमाग को सेट कर लो कि जो मैं बताऊंगा उसको पकड़ना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, समझ रहे हैं। तो सब जगह पे वही हाल होने वाला है कि जैसे ये वाली रिएक्शन होगी तो सवाल ये है कि यहां पे होगा कि यहां पे होगा कि यहां पे होगा यहां पे होगा कहां पे होगा, इन सब में ऐसा ही है। चलो अब मिटा देता हूं इसको, अब इनके लिए जवाब ढूंढेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैंने कल शायद बताया था आपको, आज भी एक बार बता दूं कि ऑर्थो मेटा पैरा इस पे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हाँ जी, तो इसका सीधा सा मतलब बताता हूं, दो तरह से बता रहा हूं। जैसे इस रिंग को देख रहे हैं आप, इस रिंग में कुछ जुड़ा हुआ है, तो जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है उस पॉइंट को छोड़ करके अगले पॉइंट से अर्थो मेटा पैरा कर दीजिए, अपोजिट साइड में भी कर दीजिए, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए अर्थो मेटा पैरा। मान लीजिए इसमें यहां पे जुड़ा हुआ है कुछ, तो इसका मतलब यह है कि यह थोड़ा घूम गया है यार, अर्थोमेटा पैरा पोजिशन तो वहीं है, कहीं नहीं गया है, तो कहां पे है अर्थोमेटा पैरा। ये इस पॉइंट को छोड़ दो जिस जगह पे जुड़ा हुआ है, मैंने बोला था, फिर अगला पॉइंट अर्थो मेटा पैरा, अर्थो मेटा पैरा यानी पड़ोसी कार्बन अर्थो है, उसका पड़ोसी मेटा है और अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो पैरा है, अर्थो मेटा पैरा। दूसरे तरह से बात करते हैं, जिस जगह पे जुड़ा है उसे वन, उसके बाद बोलेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर देंगे। ये नंबरिंग चूंकि रिंग है दोनों साइड से हो सकती है, तो आप दूसरी तरफ चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी टू सिक्स का पोजीशन जो बनता है वो अर्थो है, देख लो। थ्री फाइव का जो पोजीशन बनता है ना वो मेटा है, और ये फोर फोर का पोजीशन बनता है पैरा है। आप जैसा भी पकड़ सकते हो पकड़ लो, ठीक है, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। इसमें अर्थो कौन सा हुआ, ये 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 अर्थो मेटा पैरा हो गया ना, क्लियर है ना। चलिए अब एक छोटा सा ट्रिक कहो या इवान एलिंगवर्थ का रूल कहो, मैं किसी का नाम ना लेते हुए सिर्फ ट्रिक बोल देता हूं, ठीक है, रिंग प्रतिस्थापन के लिए ट्रिक है, क्योंकि ट्रिक के नाम से ज्यादा अट्रैक्ट होते हो तुम लोग। चलिए तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें कि रिंग पे ध्यान देना, कोई एक रिंग है इसमें पहले से कुछ जुड़ा हुआ है एक्स वाई, ठीक है, एक्स ऐसा एटम है ऐसा परमाणु है जो रिंग से जुड़ा हुआ है, और वाई ऐसा है जो एक्स से जुड़ा हुआ है, क्लियर हो गए। देखिए मैं इसका नियम बता रहा हूं, एकदम शॉर्टकट है, एकदम सिंपल है। देखें एक्स निम्न समूह तथा वाई उच्च समूह तत्व हो तो, एक दो एग्जांपल लिखता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये फिनॉल मैंने दे दिया और मैंने यहां पर एल्डिहाइड दे दिया, बेंच एल्डिहाइड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे समझाता हूं। अगर आपको कुछ याद ना हो तो पहले से आप तय कर सकते हो, ये अर्थो पैरा करने वाली चीज है और ये मेटा करेगा, मेटा में प्रतिस्थापन। जरा समझेंगे, इसका ग्रुप ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है कार्बन, और ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। यहां पर आपको यह पता है ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है और ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है।
ये इसमें क्या रूल पुट करोगे बताओ? जी बात, जब एक्स एक्स ये एक्स है ना और ये ऑक्सीजन वाई है, तो एक्स कम वाला है, 16 से कम है एक्स, तो एक्स निम्न समूह वाला है और वाई उच्च समूह वाला है। सिंपल सिंपल बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो एक्स निम्न समूह वाला है और वाई उच्च समूह वाला है, तब लिखा है एक्स निम्न समूह वाला हो और वाई उच्च समूह वाला हो तो मेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, मेटा पर होगा। ठीक, अब इसका उल्टा हो गया मान लो तो अर्थ पैरा होगा, तो एक को याद रखो दूसरा अपने आप हो जाएगा। उल्टा को मैं लिख देता हूं यहां पर अन्यथा, अदरवाइज अर्थो पैरा। ओके, दूसरी बात है, यदि एक्स तथा वाई समान समूह के हों, ऊपर वाला समझ में कि नहीं है, पक्का ना? ये देखो ना, ये ओ है एक्स और ये है वाई, तब देखो एक्स जो है वाई की तुलना में उच्च समूह हो गया, उल्टा हो गया ना, तो एक्स कैसा हो, निम्न समूह का हो, पहले वाला समूह मतलब समझते हो ना, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप। ठीक, तो क्या होगा, हो तो यदि एक्स वाई समान ग्रुप का हो तो वाई ऊपर और एक्स नीचे वाला तत्व हो, तो मैं सीधा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में, ऊपर वाई है और नीचे एक्स है, तब उस कंडीशन में मेटा प्रतिस्थापन होगा, अन्यथा उल्टा क्या होगा, ऑर्थो पैरा। इसके लिए एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आपको, तो यहां पर कौन सा होगा, एक्स एस, बोलो एस क्या है, एक्स है और ओ क्या है, वाई है, दोनों 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो सेम ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप में ऑक्सीजन ऊपर आता है और सल्फर नीचे आता है। अब एस है एक्स, एक्स ओ है वाई, बताइए तब ये किस में करेगा, मेटा में, तो इस तरह से मेटा प्रतिस्थापन होगा इसमें। क्लियर, तीसरी बात है अन्यथा, तीसरी बात है यदि x, यदि केवल x ही हो तो ऑर्थो पैरा, मतलब उसमें कोई दो एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही तत्व है, तब एग्जांपल क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्या तत्व बोला मैंने, क्लोरीन है मान लेते हैं, तब इसमें किस में होगा, केवल एक्स है ना, इसमें तो वाई नहीं है ना, तो इसमें ग्रुप वाली बात भी नहीं होगी, तब क्या होगा, ऑर्थो पैरा होगा। फोर्थ, यदि एक्स वाई धनात्मक या धनावेशित हो, धनावेशित हो तो बोलो मेटा होगा, और ऋणावेशित हो तो, नेगेटिव हो तो क्या होगा, अर्थो पैरा। पूरी बातें आ चुका है, मैं इसके लिए एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए, NH3+, देखो इसमें प्लस चार्ज है, बोलो तब इसमें कहां पर रिएक्शन होना चाहिए, बोलो मेटा में होना चाहिए। SO3- इस तरह की कंडीशन हो तो कहां पे होगा, अर्थो पैरा पर। तो क्या ये रूल याद रख सकते हो, और अच्छे से लिख लो भाई इसको, नोट कर लो, आपके काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। एक और विधि है, पर उस विधि में नहीं जा रहा हूं मैं, इसलिए नहीं जा रहा हूं कि जब इसमें पूरी बातें क्लियर हो चुकी है तो एक दूसरी विधि क्यों पकड़े, ठीक है।
हो गया। मैं यहां पर कुछ रिएक्शन बता रहा हूं ना, अब बताना आप लोग, अभी कंडीशन नहीं बता रहा हूं, ओनली रिएक्शन बता रहा हूं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का मैं हेलोजिनेशन कराता हूं, चलो क्लोरीनेशन कराता हूं, ठीक है। कंडीशन नहीं बता रहा हूं, अभी कंडीशन में बचाइए, वो कंडीशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी सब समझना है इसको। ये कौन सा हुआ? हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, ठीक है। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एल्काइलेशन और दूसरा है एसाइलेशन। सब में क्या होगा? क्लोरो बेंजीन, बस उसके बाद का काम आपको सोचना है। चलिए बताइए, इसको मिटा के उस तरफ करूंगा, छोटा पड़ा जगह। चलो इसमें क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से सब। फर्स्ट में क्या होगा? इसका एक Cl, हाँ। इसमें अब बात यह है कि इस पर निर्भर करता है ना, आने वाला रिएक्शन भी क्या होना है उससे डिपेंड करेगा। तो आपने देखा था केवल एक ही परमाणु हो, एक ही एटम हो, रिंग से जुड़ा हुआ, यानी कि X हो, तो अर्थ और पैरा पर ही प्रतिस्थापन क्रिया होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि सब क्लियर है। तो क्या हुआ? HCl निकल गया, यस। अर्थो और पैरा पर होगा, बस ये ध्यान रखिएगा, अर्थो पैरा पर। तब एक Cl यहां से एक एक कोई भी एक जगह, अर्थो या पैरा जैसे। तो Cl ये बनेगा या क्या बनेगा? कुछ लोग ऐसे प्लस लगा के लिख देते हैं क्योंकि दोनों का मिश्रण मिलता है, इसलिए। वैसे अगर देखा जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बैलेंसिंग में बात करें तो, बैलेंसिंग में बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी अर्थो ज्यादा होता है कि पैरा, यानी किसकी परसेंटेज ज्यादा होती बनने में? तो आपको यह भी बता देते हैं, पैरा की, पैरा जो प्रतिस्थापी मिलता है ना, वो अधिक से अधिक मिलता है। रीजन है हिंड्रेंस इफेक्ट, यानी कि बाधाकारी प्रभाव। इस जगह पे नजदीक होने पर ना, इसकी जो जो भी समूह जुड़ा रहता है उसका बाधाकारी प्रभाव ज्यादा पड़ता है। सो यहां पर इसमें कम पड़ता है, हिंड्रेंस इफेक्ट कम पड़ता है, ठीक है। इस वजह से यहां पर होती है, ठीक है। तो पैरा ज्यादा बनता है किसके तुलना में? हर जगह पे, हर जगह जितने भी कंपाउंड्स मिलेंगे उसमें अर्थो पैरा में पैरा ज्यादा मिलेगा, लेकिन अर्थो पैरा का मिश्रण ही मिलेगा, ठीक। अब ये बोलोगे सर ऐसे बैलेंस करें तो बैलेंस नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, इसको टू लगाओ फिर टू लगाओ फिर टू टाइम निकालो फिर ये बन जाओ, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी बनता है, ये भी बनता है, प्लस नहीं लिखो तो चलेगा, या भी लिख सकते हो एक रिएक्शन के बेस पर ये या ये बोल सकते हो, ठीक है। फिलहाल लिखने वाले हमेशा कैसे लिखते हैं? प्लस लगा के लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको रॉन्ग नहीं माना जाता। तो यहां पर देखें, नाइट्रेशन का मतलब क्या हुआ? नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेट HNO3, फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो मेरा मेन उद्देश्य यह है कि रिएक्शन को समझाऊं, कंडीशन पे नहीं। कंडीशन पे आप लोग ध्यान रखोगे, कंडीशन याद रहेगा, सब कुछ रहेगा, रिएक्शन रॉन्ग करोगे तो भी एक मार्क्स नहीं मिलेगा, कंडीशन ना भी लिखो तो भी मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहां पर रिएक्शन होने को दिखाना है आपको, ठीक है। चलो क्या हुआ यहां पे? अर्थो पैरा पर होना है रिएक्शन, तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला HONO2 है, तो OH निकलेगा, है ना। मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं ना, मैकेनिज्म में जाके दिखाऊंगा, अगर मेरे पास समय रहा आज तो मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा, नहीं रहा तो मैकेनिज्म किसी एक क्लास में दिखाऊंगा आपको। हो गया, ये निकल गया, क्या मिला? OH, और कहीं कौन सा अर्थो या पैरा से H ले लेगा, पानी निकल गया, -H2O, तो Cl NO2 या कहां पे जुड़ेगा? ये पैरा पर NO2। फ्रिडलक्राफ्ट उधर बताऊंगा आपको,
सल्फोनेशन, बताओ क्या रिएक्शन है सल्फोनेशन में? H2 कॉन्सेंट्रेट H2SO4, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में जाते हैं तो क्या मिलता है आपको? HO SO3H, पानी निकल गया, बोलो OH, इसमें से अर्थो या पैरा से जहां पे रिएक्शन होना है तो क्या निकल गया? पानी, -H2O, फिर Cl SO3H, और क्या मिलता है इसमें? पैरा पोजिशन वाला भी मिलता है SO3H, ठीक है, पैराक्लोरो सल्फोनिक सल्फो बेंजोनिक एसिड है ना, सॉरी बेंजो सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर क्या होगा? मैंने दोनों रिएक्शन बता देना फ्रीडलक्राफ्ट का, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, दो टाइप का रिएक्शन होता है, कौन सा? एल्काइलेशन है ना, और कौन सा? एसाइलेशन। एल्काइलेशन फिर हर क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, और क्या है? हाँ RCl है ना, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, यही है फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन का। तो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में ये कंडीशन होना जरूरी है। तो ये Cl किसी एक H को लेगा, माइनस HCl, क्या बच गया यहां पर? CH3 या प्लस CH3, ठीक है। आर्थोक्लोरोटाल्विन पैराक्लोरोटाल्विन, टाल्विन मेन है ना इसमें, चलो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है ना Cl। एसाइलेशन तो क्या होगा? CH3COCl, कोई एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, कंडीशन एनहाइड्रस या ड्राई AlCl3Cl निकल गया HCl, क्या होना है? कहां पे? CO CO CH3 प्लस CO CH3, समझ रहे हैं ना आप लोग? इस तरह से अब आपने एक रिएक्शन नहीं समझे है ना, अब पूरा रेंज सीख चुके हैं आप, जिसमें भी पूछा जाएगा। चलो मान लीजिए बेंजल्डिहाइड पे पूछा जाता है, तब देखते हैं क्या होता है। तो बताओ, चलो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और साथ में फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये सब रिएक्शन करके मुझे दिखा दो चलो जल्दी से। तो मुझे लगता है कि सबका बन रहा है, बस एक बार देख लीजिए, ठीक है। हैलोजिनेशन क्लोरीन से रिएक्शन, कंडीशन लिख लो, पहले वाले में भी लिख लेना, इसमें भी लिख लेना, ठीक है। एनहाइड्रस निर्जल क्या? FeCl3। अब वो बात जो आपको जानना है, ये इस पर कौन सा रिएक्शन, कहां पर रिएक्शन होगा? तो आपने इसे X माना और O को Y, अब बोलो H को क्यों नहीं लिया? तो जवाब यह है कि H कॉमन है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, समझ रहे ना आप? तो उसकी बातें ही करेंगे ना, जब H और O में तुलना करना है तो उस कंडीशन में हम H को भूल जाएंगे, बस समझ में आई बातें? कभी भी और कुछ नहीं है इसमें। तब क्या होगा? अब बोलो क्या है? ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर X निम्न हो, निम्न यानी कम वाला हो, कम नीचे वाला पहले वाले ग्रुप का हो तो पहले ग्रुप वाला हो, और Y जो है बाद वाले ग्रुप का हो, तो उस कंडीशन में मेटा पर होगा। तो आपको क्लियर हो गया, इसमें मेटा पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो क्या होगा? Cl H के साथ निकल गया HCl, और यहां पर रिएक्शन क्या होगा? CHO, ये लो क्या? Cl, बाकी सारे रिएक्शन तो वही होने हैं,
बोलो ये कौन सा रिएक्शन है? हैलोजिनेशन। नाइट्रेशन पे क्या होगा बोलो? नाइट्रेशन पे HNO3, कॉन्सेंट्रेट HNO3 किसकी उपस्थिति में? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या होगा? OH और H निकलेगा मेटा का, तो H2O निकल गया। बोलो क्या बनना है? तो इस जगह पर क्या जुड़ेगा? NO2 मेटा नाइट्रो, ये है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, वो क्या बोलते हैं मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। यस, नाम तो पता है ना। चले और क्या? CHO सल्फोनेशन। तो इसी तरह से रिएक्शन होगा, H2SO4 बोलो कॉन्सेंट्रेट, तो क्या होना है? OH निकलेगा, तो यहां से H2O हो गया, तो CHO SO3H। तो मुझे लगता है कि आप सबको यह समझ में आ गया होगा। यह हो जाएगा, ये फॉर्मिल बोल सकते हैं ना, तो क्या होगा? मेटा फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन, और फिर वो फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन भी करा सकते हो। तो मुझे लगता है कि जहां जहां पर भी आप अलग अलग कंपाउंड पढ़ोगे, फिनॉल पे भी कर सकते हो, जितना मैंने लिखा था सब पे करके आओगे, ठीक कर लोगे ना। तो आपने समझा ये कि प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम छोटा सा होता है। हर जगह पे तुम अलग अलग पढ़ते रहते हो ना बार 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 बार, इससे तकलीफ होती है। तो मैंने आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर दिए हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर हम इनके बारे में कोई जानकारी नहीं लेंगे। हाँ, अब इसकी मैकेनिज्म की बात आती है। तो देखें, ये है क्लोरोबेंजीन, आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। बोलो, यहां पर कंजुगेशन है, कंजुगेशन के बारे में बातें हुई एक दो दिन पहले। तो क्या है? डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, और इधर भी जा रहा है, देखो डबल सिंगल और सिंगल वाले पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कंजुगेशन है। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणु पर यदि इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो कंजुगेशन में है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज देती है। बोलो सही है। तब क्या होगा? इसका नया स्ट्रक्चर बनेगा, Cl दो पेयर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड। अब बोलो, ठीक है, यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड, ये होगा। फिर बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से, वैसे तो रिएक्शन ये प्रोसेस पहले होगा तब जाकर के इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, पर यही इसको प्रभावित करती है। चले फिर क्या होगा? Cl प्लस, बोलो कहां पे आया? बोलो, यहां पर पेयर आया, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा? नया स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? ये यहां पे चला गया, यहां पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड, इस तरह से होगा। बोलो क्या होना है? अब बोलो, यहां पर डबल बॉन्ड है ना, अब ये क्या हो जाएगा? वापस ये सिंगल हो गया, सारे पेयर्स वापस आ गए। टोटल स्ट्रक्चर कितना बना? पांच, पांच कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है। आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, ये इसमें कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रोफिलिक ना, तो इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा आ रहा है रिंग में? बोलो, अर्थों पर आ रहा है, देखो इस अर्थों पर आया, इस अर्थों पर भी है, देख लो इस जगह पर पैरा पर भी है, ठीक है। तो क्या हुआ? ई प्लस को जोड़ने के लिए जगह कहां मिलेगा? अर्थों पर मिलेगा और पैरा पर मिलेगा। तो क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पैरा पर अटैक करती है, आक्रमण करती है, ठीक है, जवाब मिल गया। अब मैं दूसरे वाले को भी जवाब दे देता हूं। कौन सा वाला? CHO वाला। यहां पर देखें, देखें डबल सिंगल, डबल सिंगल, कहीं से भी देख लो कंजुगेशन, ये डबल बॉन्ड में भी है, ये डबल बॉन्ड भी, तो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड है, और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या नहीं होगा?
कंजुगेशन में नहीं होगा। तो मैंने सिंपल सा वे बताया था कि भाई उसी में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेती, सीधा सा तरीका बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, सी एच ओ तीन बार पेयर हो गया, माइनस चार्ज आ गया, बोलो क्या हुआ, प्लस, और ये डबल बॉन्ड चला गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब क्या होना है बोलो, ये यहां पर चला जाएगा तो, चलिए तो क्या हुआ, ये प्लस हो गया। मैं बोल रहा था उस पर ध्यान दें, 11th का चैप्टर नंबर 12 अच्छे से पढ़िए, कुछ भी हो जाए, चलो यहां पे, अच्छा ऐसा भी नहीं कि इसको समझा रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर भी आप समझिए अच्छे से। तो क्या हुआ, समझ में आई बात यहां तक, क्योंकि परसों मैंने काम कर चुका था, परसों यानी 2-3 क्लास के पहले की बात है, तो वहां पर भी मैंने आपको बातें बताया था, कंजुगेशन भी बताया था और मेसोमेरिक इफेक्ट भी बताया था, तो कोई बड़ी चीज नहीं। चलो यहां पर बोलो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर चला जाएगा तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर चली गई, ये लीजिए यहां पर आ गया प्लस चार्ज, अब बोलो अब क्या होगा, ये यहां पर तो ये यहां पर, तो क्या होना, डबल बॉन्ड ऐसा हो गया, इस जगह पर सिंगल हो गया, एच डबल बॉन्ड ओ, ओके वापस। अब बोलो ई प्लस, ये प्लस वाला अटैक कहां पे करना करेगा, ई वाला, ये जो प्लस वाला वहां पर अटैक नहीं करेगा जहां पर प्लस है, सीधा सा मतलब है, प्लस वाला कहां पर अटैक नहीं करेगा जहां प्लस है, तो प्लस कहां पे आया, अर्थो और पैरा पर आया, तो ये कहां पर करेगा, ये मेटा पर आक्रमण करेगा या वहां पर प्रतिस्थापन करेगा, सीधा सा लिख सकते हो, करती है। अब बोलो सर, अभी जो लिख रहे थे हम लोग, जैसे देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूं, नाइट्रेशन में दिखाता हूं, नाइट्रेशन में क्या कर रहे थे जरा ध्यान सुनिएगा, नाइट्रेशन में क्या हुआ था, नाइट्रिक अम्ल HONO2 प्लस H2SO4, ये है, ध्यान से देखिए ना, ये टूट जाएगा H प्लस SO4H में, माइनस में, बोलो दो चीजों में टूट रहा है, ये टूट जाएगा OH माइनस और NO2 प्लस में, ये इनको लेगा तो क्या बना, H2O प्लस, क्या बच गया देखो तो NO2 प्लस और बच गया SO4 माइनस, ये है इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस, ये है इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा इसमें तो कहां पे करेगा, देखो प्लस है ना NO2 तो कहां पर करेगा, अर्थो और पैरा पर करेगा, वही NO2 प्लस अटैक करेगा तो कहां पर करेगा, रिंग में कहां कर सकता है, अर्थो और पैरा पर नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर प्लस है, तो कहां पर करेगा, जहां पर उसके तुलना में माइनस है, या वो तो माइनस तो हो नहीं सकता, प्लस के तुलना में न्यूट्रल माइनस होता है, यस ये कह सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ई प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कोई रिएजेंट है, तो वहां पर अटैक करेगा जहां पर इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो कौन सा है, मेटा में, तो वहां पर अटैक करेगा, बहुत ही इजी बात है भाई साहब, और ये मैकेनिज्म भी जरूरत पड़ेगी आपको बनाना होगा, फिलहाल तो मैंने अभी इस चैप्टर में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं थी इसके लिए, इसलिए मैंने नहीं बताया, तो नाइट्रेशन में बता दिया, वैसे हैलोजनेशन में बता सकते हैं, फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन में बता सकते हैं, सब में कर सकते हैं मैकेनिज्म। एक लाइन और लिख लो यार, लिखो, पैरा आइसोमर अधिक प्राप्त होता है क्योंकि आर्थो स्थिति की तुलना में, आर्थो स्थिति की तुलना में पैरा स्थिति कम बाधित होते हैं, बाधित होते हैं मतलब हिंडर्ड, यानी हिंडर्डनेस होता है, यानी छिपा हुआ होता है, कम छिपा हुआ होता है, कौन सा, पैरा। चलिए मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं, नमस्कार।